यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तुम दर्शक लेवल है जीटे हो। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि गाइस यहाँ पर जो डगन बॉस है, इसने भाई अब जो ना अपनी हद पार कर दी है। इसने गाइस एक ऐसी गाड़ी चुरा ली है जो कि भाई मिलिट्री वाले भी तबाह नहीं कर सकते। मतलब गाइस वो जो गाड़ी है ना, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं उसके ऊपर आरपीजी भी चलाता हूँ ना या कोई न्यूक्लियर वेपन, तब भी गाइस वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं फटने वाली, क्योंकि उसको बनाया ही ऐसा गया है। और गाइस बुरी बात यह है कि गाइस जो डगन बॉस है वो भाई उस गाड़ी के साथ भाग गया है। बेशक उसके मेंशन में अभी मिलिट्री वालों का राज है, उसका जो प्लेबॉय मेंशन था उसके अंदर जितने भी डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो तो मारे जा चुके हैं, लेकिन भाई साहब मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो मेरे हाथ से निकल गया। और जो लेसर है और गाइस जो गाड़ी का ऑनर है, मतलब जिसने वो गाड़ी बनाई है, वो हमारे साथ है और वो गाइस हमारी हेल्प करने वाला है। वो गाड़ी अभी कहाँ पर है हमको कुछ पता नहीं है, और डगन बॉस का भी गाइस अभी कुछ ही पता नहीं चल रहा कि लॉस सैंटोस में वो कहाँ पर है। बाकी अभी जो ना मैं आप लोग को प्लेबॉय मेंशन लेके चलता हूँ। ऑल राइट भाई साहब, यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा पहुँचने वाला हूँ अभी प्लेबॉय मेंशन। बाकी आप लोग जो है ना वीडियो को जाकर फटाफट से लाइक कर दो यार। आज का लाइक टारगेट 4000 रख लेते हैं, क्योंकि भाई 4000 मैंने अभी तक नहीं रखा है किसी भी वीडियो का। देखते हैं गाइस कंप्लीट हो पाता नहीं हो पाता, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बाकी पीछे की तरफ देखो इतनी ज़्यादा मिलिट्री है, आई थिंक मैं गलत वलत आ गया क्या? नहीं नहीं गलत तो नहीं आया हूँ, निकल भी जाएगी भाई ये गाड़ी, इतनी ज़्यादा तगड़ी है। चलो मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगा दिया है। भाई मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, डगन बॉस का एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सारे सारे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मतलब मिलिट्री वालों के सोल्जर्स हैं। कुछ देर में यहाँ पर मिलिट्री का नल और साथ के साथ फ्रैंकलिन भी आने वाला है। अगर वो आ गए तो भाई साहब तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखो भाई सब सारे मिलिट्री वाले बंदे हैं, और अंदर भी अभी कोई भी नहीं है। अंदर जाने का वैसे कोई फायदा नहीं क्योंकि मिलिट्री वाले हर जगह फैले हुए हैं। बेटा डगन तू अपने घर पे भी नहीं आ सकता, तो भाई ये जा कहाँ सकता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे को ये भी पता नहीं है कि डगन बॉस कहाँ चला गया यार, कहाँ जा सकता है वो, मेरे को अभी कुछ ही पता नहीं है। उसका कोई दोस्त, उसका कोई भाई, सब तो मारे जा चुके हैं। एक उसका ऑडी वाला शोरूम है वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, मैंने बहनी से बात कर ली है, पता नहीं कहाँ गया भाई, दिख ही नहीं रहा है बेटा। गैस अब देखो इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। अबे भाई क्या जंप लगाई है भाई मैंने, मतलब सुपरमैन हो रहा भाई मैं कल तो। फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और सीधा मैं अभी उसी बंदे के पास निकल रहा हूँ जिस बंदे ने वो गाड़ी डिज़ाइन करी है या गाड़ी वो बनाई है। बाकी पीछे वाला रास्ता ही रहा तो यहीं से निकल लेते हैं। गैस वही आर्मर्ड गाड़ी, क्योंकि वही बंदा जानता है कि उस गाड़ी को कैसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। जब तक वो गाड़ी डगन बॉस के पास है, डगन बॉस को भाई कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो सीधी सी बात है, अगर वो हमको मिल भी जाता है ना तो वो गाड़ी उसको बचा लेगी, तो छोड़ो। ऑल राइट भाई साहब, यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा पहुँचने वाला हूँ अभी लेसर के पास आराम से। ओ यहीं कहीं तो घर था भाई वो, लो आगे की तरफ है भाई, मैं भूल ही चुका हूँ वो घर कहाँ पर था। वो लेसर का एक तरीके से सीक्रेट बेस है। बाकी फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाता हूँ। और यहाँ पर अरे ये अंकल जी कैसे खड़े हो भाई, बेटा पिटेगा फालतू, मैं यहाँ पर खड़ा होकर सुट्टे मारने में लग रहा है। इसको देखो भाई कितना चोड़ हो रहा है, अब तेरे से फालतू बोल भी रहा हूँ मैं, साइड हो जाना भाई, मेरे को लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, फालतू में जो है ना तेरे जबड़े बाहर निकाल दूंगा। अबे इसको देखो बेटा बदमाश क्यों बन रहा तू, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, रुको रुको, ये ऐसे नहीं मानेगा बिल्कुल भी। गन दिखाते भाग जाएगा, देखना गन दिखाते, निकल 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 निकल, बेटा पिछवाड़ा तोड़ कर दूंगा, निकल चलते ये ऐसी की तैसी। फालतू में बदमाशी गिरी चल रही है हमारे बेस के बाहर आके, निकल निकल निकल, छोड़ दिया भाई अभी तो उसको, क्योंकि ज़्यादा कुछ करा नहीं था इसने। अबे घर के अंदर कैसे नहीं घुस पा रहा भाई मैं, चलो अंदर की तरफ आ चुका हूँ। बाकी इस घर की थीम इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। आई थिंक इसके अंदर यदि तो बाहर का रास्ता है, विंडो से मैंने देख लिया है, आई थिंक इसके अंदर होना चाहिए। लोग अजी रहा है सर, साथ के साथ ये रहा वो बंदा जिसकी वो गाड़ी है, मतलब वो जो गाड़ी है वर्ल्ड में पूरी एक ही है, और वो अभी डगन बॉस के पास है। तो भाई फटाक से उठ जाओ और मेरे को बता वो उस गाड़ी को भाई हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो गाड़ी हमको जैसे जैसे करके डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। भाई उठ भी जा भाई, ड्रामे कम कराओ। तो भाई साहब यहाँ पर मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, और मुझे तो लग रहा भाई मेरे साथ जो ना स्कैम हो चुका है एक तरीके से। अब ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि वो गाड़ी इसने बनाई नहीं है, वो गाड़ी इसने इम्पोर्ट कराई थी लॉस सैंटोस के अंदर, क्योंकि इसको वो गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। अब भाई साहब, और गैस वो जो गाड़ी है ना वो लॉस सैंटोस की नहीं है, वो सैन फ्रांसिस्को की है। मतलब सैन फ्रांसिस्को में एक बंदा रहता है, एक मैकेनिक, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बैनी से भी ऊंचा नाम है उसका। तो उस बंदे ने वो गाड़ी बनाई है। ये तो मैकेनिक मेरे से ये बोल रहा है कि तुम सैन फ्रांसिस्को चले जाओ,
मैं तुमको उसका एड्रेस देता हूँ और वहाँ पर जाकर उसको पक्का पता होगा कि गाड़ी की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी, सीधी सी बात है। अब यार मैं इसको रख के पीटने वाला हूँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो गया है। हमको डगन बॉस को एक दिन के अंदर अंदर मारना पड़ेगा यार। फिलहाल के लिए मैं अभी क्रिमिनल के पास कॉल करता हूँ, उसको बुलाता हूँ यहाँ पर। तो चलो भाई, यहाँ पर मैंने क्रिमिनल के पास कॉल कर दिया और इस बंदे को देखो बेटा, मेरे को अबे मेरे को क्यों मारने के लिए आ रखे हैं भाई ये लोग, तुम्हारा घर तेरी है ऐसी की तरह बेटा, इतनी बुरी तरीके से मारूँ ना तेरे को। चलो इस बंदे की मैंने ऐसे तैसे मार दिया, फालतू में यहाँ पर बदमाश बनते फिरते हैं। अब यार ये क्रिमिनल का बच्चा कहाँ रह गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी इस गाड़ी को अबे कोई गिरा क्या, मेरे को ऐसे लग रहा। अबे ये तो क्रिमिनल है, और अबे तेरे को क्या और भाई नशे वशे कर लिए क्या भाई, ला कर टक्कर दे के मारे भाई से नहीं। चलो भाई इससे जल्दी से जल्दी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ ये क्रिमिनल ही है, इसको देखो। ऑल राइट भाई साहब, यहाँ पर जो ना क्रिमिनल हमारा साथ देने के लिए रेडी हो चुका है। बेटा इसको एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैंने अभी मारा। चलो 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 भागो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पर कुछ काम नहीं है भाई साहब। यहाँ पर गुंडे लोगों को बचाएंगे, इतने बड़े हो गए मतलब बदमाश बन रहे हैं ये पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले क्या ये एम्बुलेंस वाले भी। फिलहाल के लिए गाइस अभी जो ना मैं एक हेलीकॉप्टर उठाऊंगा और सीधा सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। एक वो ही बंदा है जिसने एक गाड़ी बनाई है, वही हमारी हेल्प कर सकता है कि वो जो आर्मर्ड गाड़ी है जो डगन बॉस के पास है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके तो भाई साहब यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा पहुँचने वाला हूँ अभी उसी जगह पर। तो चलो सामने की तरफ जो हेलीकॉप्टर आप लोग देख पा रहे हो ना, ये वही हेलीकॉप्टर। ओ ओ भाई भाई आराम से आराम से आराम से भाई, मैंने क्या ही अपनी जो है ना गाड़ी में ड्रिफ्ट लगाए हैं। तो गाइस ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रिमिनल का हेलीकॉप्टर है। बाकी चलो आ जा भाई क्रिमिनल आके बैठ। बाकी इसका हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा सही है यार, मुझे तो लगा था ये कोई गरीब वरीब सा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साथ दिया था, और साथ के साथ ये बंदा भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मस्त साथ निभा रहा है। चलो गाइस फिलहाल के लिए मैं सीधा निकलता हूँ सैन फ्रांसिस्को, और वहीं जाकर उस बंदे से मिलना पड़ेगा। बाकी सैन फ्रांसिस्को में जा रहे हैं तो भाई सब मजे ही लेके आएंगे यार। तो भाई लोग यहाँ पर मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा सैन फ्रांसिस्को पहुँच चुका हूँ और उसी के गैरेज में। बाकी आप लोग ये जगह देखो, इतनी ज़्यादा शांत है और भाई सब दूर दूर तक भाई भाई आराम से आराम से, यही वो जगह है। मेरे को हेलीकॉप्टर यहीं लैंड कराना भाई, कहाँ एक सेकंड रुक जाओ यार, हेलीकॉप्टर लैंड कराने की जगह नहीं है। तो मैं आई थिंक यहाँ पर आराम से करा सकता हूँ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लो भाई हो गया अपने हेलीकॉप्टर का चूरा। अब यार ये फटफट ना जाए यार। चलो कोई नहीं, बाकी हेलीकॉप्टर ऑफ तो हो चुका है। भाई मैंने हेलीकॉप्टर को कितनी ज़्यादा दूर लगाया ना। आ जा भाई क्रिमिनल, तेरी थोड़ी कसरत करा दूँ, बाकी पूरे दिन बैठा रहता भाई ये हैकिंग करता रहता आराम से। यार यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा बढ़िया है ना, किसी दिन यहाँ पर आएंगे अपनी फैमिली को लेके घूमने के लिए, एक ट्रिप तो बनते ही बनता है भाई माइकल के साथ। चलो ये क्रिमिनल का बच्चा कहाँ रह गया भाई, चलो ये अपना हेलीकॉप्टर का ध्यान रख लेगा। बाकी ये वही गैरेज है जिस गैरेज में गाइस वो गाड़ी बनी है। बाकी इस वाली गाड़ी को देखो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। चलो छोड़ो भाई, हम जो लोग हैं ना अंदर की तरफ निकलते हैं, और यहाँ पर इतनी सारी नॉर्मली गाड़ियाँ लग रही हैं भाई, मेरे को देखो कोई खास नहीं है। बाकी ज़मीन भी टूटी फूटी पड़ी है भाई, कैसे गरीबों की तरह मर रहे हो भाई। अब भाई कुछ ज़्यादा बिजी लग रही है मेरे को तो ये भाई, अभी रैप्ट बच जाएंगे। ये लड़की मेरे से बोल रही है पीछे की तरफ चले जाओ, यहाँ पर दिमाग ख़राब मत करो। अब यार क्या ऐसे क्लाइंट से मतलब कस्टमर से कौन बात करता भाई ऐसे। ये पीछे की तरफ उसने बताया था यहाँ पर इसका बॉस है जो कि पूरे इसका गैरेज का मालिक है। बाकी ये तो ये लड़की भी ऐसी लग रही है भाई, अच्छा इसकी बहन वहन होगी। बाकी लो ये रहा वो बंदा भाई सब, अकेला बंदा है पूरे गैरेज को संभालता भाई ये बंदा, और आई थिंक वो उसकी बीवी होगी भाई। चलो छोड़ो इस बंदे से बात करते हैं। और ये गाड़ी देखो भाई कैसी कैसी मॉडिफाई कर रखी है, ये ट्रक कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, इसको एक बार चला वाला कर देख गया ये तो भाई। ओ भाई 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 इसका इंजन देखो भाई, किस हिसाब से इनने बना रखा है भाई ये ट्रक, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो फिलहाल के लिए इस बंदे से बात करता हूँ और उसकी सारी सारी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी भाई, तेरी गाड़ी आज जो है ना तबाही मचा रही लॉस एंडस के अंदर। तो भाई साहब यहाँ पर जो ना अपना काम बन चुका है, ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर सेल होती है ना, जितनी भी टोटल ए टू जेड उसका हर एक डेटा मतलब इस लैपटॉप में सेव होता है, और गज हम ट्रैक भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पर जो क्रिमिनल है वो ट्रैक करने में लग रहा है उसी गाड़ी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। ये बंदा कुछ अलग ही है यार। और गज अभी जो ना मैं उन्हें उस गाड़ी की कीमत पूछी थी कि उस गाड़ी की कीमत थी क्या आखिरकार, तो ये बंदा बोल रहा है कि वो जो गाड़ी की कीमत थी $650 मिलियन, वो इतनी ज़्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मिलिट्री वाले टेररिस्ट कोई भी उस पर अटैक करेंगे ना तो वो कुछ भी नहीं होगा भाई, खरोंच तक नहीं आने वाली। ये बंदा ऐसी गाड़ियाँ बनाता भाई, इस वाली गाड़ी को देख रहे होंगे आप, ये वाली गाड़ी भी कोई नॉर्मल लग रही होगी डंडे वंडे से, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, डंडे पंडे नहीं है,
ये कुछ अलग ही टाइप का मटेरियल इसने लगा रखा है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर मेरी क्रिमिनल से बात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना, वो भाई अभी एक टेररिस्ट के बेस में पाई गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है या तो डगन बोस टेररिस्ट के पास है, मतलब क्या पता डगन बोस ने टेररिस्टों से हाथ मिला लिया हो। और फिलहाल के लिए मैं सीधा उसी टेररिस्ट बेस में जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो गाड़ी टेररिस्टों के पास है तो क्या पता जो टेररिस्ट लोग हैं वो उस गाड़ी को मिलिट्री बेस में अटैक करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले तो अपना हेलीकॉप्टर वो खड़ा हुआ, मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाला। मैंने क्रिमिनल से बोल दिया कि भाई फटाक से आके बैठ हेलीकॉप्टर के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम देरी करेंगे ना उतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अब यार ये क्रिमिनल का बच्चा भाई क्या कर रहा है भाई अंदर की तरफ। चलो गाइस यहाँ पर जो ना क्रिमिनल भी आके बैठ रहा है, भाई जल्दी जल्दी से आके बैठ यार। लो भाई हेलीकॉप्टर गया, मुझे तो ऐसे लग रहा है। चलो फिलहाल के लिए मैंने हेलीकॉप्टर तो उड़ा दिया है, तो थोड़ा जो है ना नज़ारों का मजा लेते हुए जाएंगे भाई। बाकी यहाँ पर देखो ये जो सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, बस क्या ही बताऊँ। और यहाँ का भाई सब इलेक्ट्रिसिटी का एरिया देखो, मतलब भाई सब सोलर पैनल लगे हैं। नहीं सोलर नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ है। बाकी आगे की तरफ सिटी है पूरी, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर करोड़पति लोग रहते हैं। पीछे की तरफ थोड़ा गांव वाला एरिया है। फिलहाल के लिए मैं सीधा निकलता हूँ उसी टेरिस बेस में, और गैस वो जो गाड़ी है वो डिस्ट्रॉय अब हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस बंदे ने हमको एक ऐसी चीज़ दे दी है जिसकी मदद से वो गाड़ी एक टच में ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलो गाइस भाई यहाँ पर मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा उसी टेररिस्ट के बेस में आ चुका हूँ। मेरे को एक बात ये समझ नहीं आ रही, वो गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है भाई? डगन बोस यहाँ पर तो है नहीं, डगन बोस की लोकेशन गाइस यहाँ पर फाउंड नहीं हुई है। सारे सारे मतलब सीसीटीवी को स्कैन कर लिया गया है यहाँ के, और डगन बोस यहाँ पर नहीं है। डगन बोस ने ये वाली गाड़ी बेच बेच दी क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए मैंने अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करा दिया है आराम से। और ये जो लोग हैं ये भाई मेरे को पक्का मारने वाले देखते, क्योंकि मैं यहाँ का बंदा नहीं हूँ। अभी सामने की तरफ है, तो इससे पहले कि ये लोग मेरे पे गोली चलाएं, चलो बेटा निकलो यहाँ से सब के सब। ओ तेरी अस्ति, अबे भाई सब एक सेकंड रुक जाओ, अबे क्या तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। अबे क्रिमिनल मार भाई इनको, बजा कर रख दे सब। चलो तेरी ऐसी की, अबे भाई क्रिमिनल या तो मेरे को लड़ने दे या खुद लड़ ले। वो सामने की तरफ जो प्लेन दिख रहा है ना उसके अंदर तो इतना तगड़ा ब्लास्ट करूँगा मैं। बाकी आई थिंक मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। चलो कोई नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो बंदे मार जा चुके हैं भाई साहब, क्या तगड़ा विस्फोट हुआ है भाई यहाँ पर। आ जाओ बेटा, कहाँ पर हो? सारे सारे बंदे देखो भाई मेरा ही वेट कर रहे थे, मेरे को पक्का पता था ये जो लोग हैं मेरा ही वेट कर रहे थे। कम मैं हूँ और अपनी गोली चलाएं मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है बेटा। तुम्हारा जो ना मैं चटनी बना कर रख दूँगा। काफ़ी ज़्यादा बंदे बेटा, टेररिस्ट लोग यहाँ पर अपना बेस बना कर रह रहे हैं। चल तू भी निकल भाई साहब, मिलिट्री कर्नल तक को नहीं पता भाई क्या ब्लास्ट हो रहे हैं भाई। ओ हेलो, पता नहीं उत्तरी तेजी क्या हो रहा है भाई, तेरी ऐसी की तैसी। एक सेकेंड यार, वहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं पीछे की तरफ भी। सबसे पहले तो क्रिमिनल उधर की तरफ संभाल रहा है, तो मैं यहाँ पर आराम से संभाल सकता हूँ काफ़ी सारे बंदों को। ये इन्होंने क्या बना रखा है, फटते वटते नहीं है क्या? नहीं ये तो नहीं फटते हैं। बाकी सब जो है न्यूक्लियर वेपन है, इसको फोड़ो। अब एक सेकेंड के लिए बेटा पीछे कहाँ से, अच्छा वहाँ से फट रही है क्या? आ रहा हूँ बेटा, वहीं आ रहा हूँ मैं पीछे की तरफ बेटा। लोग ये फट चुका है, अभी मैं ऊपर की तरफ तो नहीं है ना बंदे, यहाँ पर इतने सारे टेररिस्ट लोग हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ, सब फोड़ो ये। नहीं ये तो फटता नहीं है, आ जाओ बेटा आ जाओ गाइस वहाँ पर। भाई ये जो ना क्रिमिनल के पीछे पड़ चुके हैं मेरे को ऐसे लग रहा है, यहाँ पर तो नहीं है ना। बाकी यहाँ पर तो सारे के सारे बंदे आई थिंक खुद ही मर गए भाई, इतना तगड़ा यहाँ पर जो ना ब्लास्ट हुआ है। कहाँ पर है, शकल दिखा दो, शकल दिखा दो, सबकी भाई चटनी बना दी जाएगी अब तेरी ऐसे सी। अच्छा बेटा क्रिमिनल पर हाथ उठाया क्या? क्रिमिनल अपना मजे से इधर से उधर मारने में लग रहा है, मार भाई उनको, मेरे पीछे पीछे क्या कर रहा है भाई, चिल्लाट यहाँ से। चलो गाइस मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। ओ ये गेट, नहीं नहीं गेट नहीं है भाई ये। ओ तेरी ऐसे जी बेटा, तू इतनी बुरी तरीके से पिचकारी बना बना के मारू हाँ भाई, क्या फट रहा है भाई ये। पूरे बेस की ऐसी की तेजी करके जाऊँगा पहले तो। सबसे पहले अंदर की तरफ निकलता हूँ। ओ ओ ये पीछे की तरफ कौन है भाई, शकल दिखा दो, कौन मार रहा भाई? सब वहाँ पर चुप चुप के बैठे हुए हैं, शकल दिखा शकल दिखा। चल बे चल नमूने निकल यहाँ से। एक घंटे से यहाँ पर जो ना नमूनापंती कर रहा था, और भी गोली चल रही है। वो तो क्रिमिनल है यार। बाकी भाई पीछे की तरफ से कोई गाली दी जा रहा है यार। बेटा रुक जा, तेरे मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अंदर की तरफ निकलता हूँ। ओ ओ ओ एक सेकंड गज, वो गाड़ी मेरे को दिख गई भाई। चल बेटा हट यहाँ से, और तो कोई ना बाकी। आ जाओ बेटा आ जाओ, शकल दिखा और तो कोई ना बाकी। एक सेकंड तेरी ऐसे से निकल भाई यहाँ से। एक बोरा चला अंकल, निकल आप यहाँ से भी भाई। सब गाड़ी मेरे को दिख चुकी है गाइज, ये रही वो गाड़ी। ओ ओ कहाँ से गोलियाँ पड़ रही हैं भाई, तेरी ऐसी की तैसी बेटा। इतनी देर से गोली पे गोली चलाया जा रहा है, इसकी मैंने ऐसे ऐसे कर दी गज। गाड़ी ये रही इसकी भैंस, क्या गाड़ी पूरी चमचमा रही है।
डगन बॉस यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले तो गैस उसने जो टाइमर दिया ना इस गाड़ी के इंजन के अंदर वो लगाना पड़ेगा। तो गैस यहाँ पर मैंने वो जो टाइमर है वो इस इंजन के अंदर लगा दिया। सबसे पहले तो इस गाड़ी को करते हैं बंद और सीधे यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अपना काम हो चुका है। मैं इस गाड़ी को चाहूँ तो ले सकता हूँ लेकिन ये लॉस सैंटोस में खतरा बन के रहने वाली है गाड़ी। अगर मेरे पास रहेगी तो जो जितने भी गैंग के लोग हैं वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे। अगर मैं मिलिट्री बेस लेके जाता हूँ तो ये जो टेररिस्ट लोग हैं, डगन बॉस है, जितने भी एल रूबी हो, ये फिर मिलिट्री बेस के अंदर अटैक करेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि ये किसी के पास ही ना रहे। बाकी अबे कहाँ से मार रहा भैया गोली, शक्ल दिखा देख सेकंड। अब गैस यहाँ पर जो ना टाइमर बॉम्ब लगाने का टाइम आ चुका। गाड़ी में तो मैंने लगा ही दिया है, बाकी एक दो सारे के साथ जितने भी स्टिकी बॉम्ब्स हैं ये भाई मैं इधर से उधर फैलाने वाला हूँ, लेकिन इस बंदे का मत्था सुझाने के बाद। चल बेटा हट यहाँ से, 1 घंटे से पिचकारी चलाया जा रहा है भाई अब तुम्हारे भाई के सामने। लो भाई साहब 1 2 3, वैसे मैंने पहले भी काफ़ी लगा दिए थे भाई, मेरी गिनती इतनी बुरी नहीं है यार। चलो गैस अपना काम यहाँ पर हो चुका है। सबसे पहले तो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर निकलते हैं यहाँ से। अब तू शकल दिखा दे बेटा, तेरी जो है ना धाई नाप कर रख दूँ। कहाँ से पड़ रहे हैं भाई गोलियाँ, 1 सेकंड, ये है क्या तेरी, तो क्रिमिनल मेरे को लग रहा है, पता नहीं कौन है। चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए मैं अपने हेलीकॉप्टर को उठाता हूँ क्योंकि ये जो बेस है ये कभी भी फटने वाला है भाई। अबे क्रिमिनल के बच्चे फटाक से आके बैठ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं है भाई। उस प्लेन को तो मैं फोड़ने वाला हूँ। चलो भाई साहब, वो भाई साहब कोई नॉर्मल नहीं है भाई, वो कार्गो शिप है, मतलब कार्गो प्लेन है। और भाई साहब लॉन्चर देख रहे हो भाई कितना चला रहा हूँ, फाइनली 3 लॉन्चर में फटा है भाई वो आर्मी वालों का यार, काफ़ी तो खतरनाक। चलो अबे भाई क्रिमिनल का बच्चा कहाँ रह गया। अबे भाई जल्दी जल्दी से आके बैठ जा यार, क्या कर रहा है यार ये, यार ये एक नंबर का नमूना यार ये विचल होगा। जहाँ पर तुम्हारे भाई ने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है, फिलहाल के लिए सबसे पहले तो आगे की तरफ निकलता हूँ। अबे अभी गोली वोली मत चला, 3 2 1 लेट्स गो। भाई साहब बहुत तो अच्छा हुआ मैं वहाँ से उड़ गया, और नीचे की तरफ देखो इतना ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, बस क्या ये बताऊँ। साथ में बहुत जो गाड़ी है वो भी ब्लास्ट हो चुकी है। अब डगन बॉस कुछ भी नहीं कर पाएगा, जहाँ पर भी डगन बॉस दिखेगा मेरे हाथ की गोली खाएगा। चलो गाइस, और गाइस वो जो बंदा था ना, जो मैकेनिक था, जो सैन फ्रांसिस्को में, और मैंने उससे मना कर दिया है भाई आज के बाद ऐसी गाड़ी बनाने की सोच ही मत ना, क्योंकि जितने भी दुश्मन लोग हैं वो ऐसी गाड़ी का फ़ायदा उठा के हमको मार भी सकते हैं। वो ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ है ना, मतलब पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा पानी है ना समुद्र का वो भी उछल गया है। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा पहुँच चुका हूँ लॉस सैंटोस। बाकी अभी मेरे पास मिलिट्री कर्नल की कॉल आई है और वो मेरे को तुरंत के तुरंत ही प्लेबॉय मेंशन बुला रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो ना फ्रैंकलिन भी आ चुका है। इस हेलीकॉप्टर ने अपना काफ़ी था बढ़िया साथ निभा दिया है। चल भाई चल क्रिमिनल, तू अपना बेस में निकल जा। तो चलो भाई यहाँ पर जो ना मैंने क्रिमिनल से बोल दिया, ये बंदा बोल रहा है कि थोड़ी बहुत देर में चला जाएगा, अब सारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो चुकी हैं। डगन बॉस भी भाई हमसे जो ना डरने लगा है यार, और लॉस सैंटोस में बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है अपना बेस बना के रह रहा होगा। बेस बनाएगा क्या यार, क्योंकि उसके पास तो पैसा भी नहीं है, ना ही उसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पता नहीं भाई फिर क्या सीन है। चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए वो यहाँ पर नहीं है, सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है फाइनली। ना ही एल रूबियो हमारे बीच में, ना ही डगन बॉस, और ना ही कोई और माफिया या डॉन या गुंडा कोई भी। ओके तो भाई साहब यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा पहुँच चुका हूँ अभी डगन बॉस के मेंशन में, मतलब डगन बॉस का मेंशन क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं इसको, मतलब यहाँ पर मिलिट्री कर्नल के मेंशन में। भाई मिलिट्री कर्नल कितने ही मेंशन लेगा यार, तो ओ भाई ऊपर की तरफ ही आराम से निकलते हैं, और यहाँ पर बोल वाला भाई अभी मिलिट्री वालों का है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी को आई थिंक यहाँ पर लगा, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई यहाँ पर टैंक देखो गाइस इतने सारे आ चुके हैं ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर मिलिट्री कर्नल कहाँ पर है भाई, मिलिट्री कर्नल तो भाई मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो चलो गाइस वो रहा मिलिट्री कर्नल, और यहाँ पर बंदे लोग अपना पार्टी वार्टी करने में लगे हुए हैं। चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए कर्नल से बात करते और पूछते भाई क्या हो गया यार, मेरे को यहाँ पर क्यों बुला लिया है। और इसको देखो भाई इसकी अलग ही चौड़ है यार, फ्रेंकली मेरे को आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। गाइस यहाँ पर मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है, और मिलिट्री कर्नल तो मेरे से ये बोल रहा है कि माइकल डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसने अपने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स हैं ना उनको सबको काम पे लगा दिया है। और मिलिट्री कर्नल मेरे से ये बोल रहा है कि माइकल ये जो मेंशन है ये 13 वाद से, क्योंकि तूने इतना ज़्यादा बड़ा काम किया है। चलो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, फिलहाल के लिए मेंशन इतना ज़्यादा बड़ा मेरा फाइनली। और बाकी मिलिट्री कर्नल लोग जो है ना अभी यहाँ से चले जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत। ये क्या है भाई, ये क्या सीन हो रहा है, और 1 सेकंड रुक जाओ, ये क्या हुआ भाई। भाई फटाक से अंदर की तरफ निकलता हूँ, ये क्या हो गया भाई। गाइस यहाँ पर जो ना मेरे को अंदर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर अटैक पटैक हो रहा है मिलिट्री का, यानी दोबारा से अटैक हो रहा है भाई। अब गाइस कितना ज्यादा खतरनाक अटैक है भाई, ये पूरा मैं हिल चुका हूँ। अब भाई जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, मिलिट्री कर्नल को उठा के पहले तो 1 सेकंड, सबसे पहले तो अंदर की तरफ निकलता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं मिलिट्री कर्नल को अंदर की तरफ तो लेके आ चुका हूँ, लेकिन
बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा गलत सीन है यहाँ पर। मैंने लेस्टर के पास कॉल कर दिया है, मैंने बोल दिया है फटाफट से यहाँ पर गाड़ी लेके आ जाए एक तगड़ी सी आर्मर्ड वाली, क्योंकि यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाहर की तरफ अब भी अटैक हो रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, पूरा धुआं हो चुका है, गाड़ियाँ सारी जल कर राख हो रखी हैं, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। मेरे को डर है अगर मैं मिलिट्री कैनल को बाहर की तरफ लेके जाता हूँ, क्या पता दोबारा से आसमान में से अटैक वटैक ना हो जाए, तो इसलिए मैं भाई मिलिट्री कैनल को बिल्कुल भी बाहर की तरफ लेके नहीं जा रहा हूँ। ये क्या सीन हो गया भाई, मेरे को खुद भी समझ नहीं आ रहा है भाई सब। यहाँ पर जो ना वेट करना पड़ेगा लेसर का, और देखते हैं जो लेसर वो कब तक आता है। ये किसकी चाल है भाई, मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो चलो गाइस, आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगा करना चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर में से ऑनलाइन रहता हूँ। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.